बाय बाय बाय, अच्छे से जाना घर। Hey guys, what's up everybody? This is your morning vlog। कैसे हो? तो बहुत दिन के बाद फिर से वीडियो आ रहा है। मैं कहता हूँ कि डेली वीडियो आएगा, डेली आएगा, लेकिन डेली नहीं आ रहा है। इसका रीजन ये है कि मेरा तबीयत खराब हो गया था अभी बीच में, और यहाँ मेरा जो गर्दन है ना, ये गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अभी मैंने जस्ट मेडिसिन लिया है, और कल परसों वीडियो लेट आने के कारण यही रीजन था मेरा गर्दन में। जैसे मैं सो गया था ना, तो जब पेनफुल हो गया था, तो अभी मुझे कुछ ठीक लग रहा है। दो दिन के बाद मैं जा रहा हूँ अभी बलविंदर जी के पास, वहाँ पे कार का कुछ नया स्टॉक आया है, तो वो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूंगा इस वीडियो में, नहीं दूसरे वाले वीडियो में। फिलहाल अभी चलते हैं, और मेरा स्कूटी यहाँ लगा हुआ है, और मैं बाइक अपना वहाँ छोड़ के आया हूँ, और थार भी वहीं लगा हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं, और माफ़ी चाहते हैं कि बहुत लेट आ रहा है वीडियो, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। और हमारे साथ हैं एक हमारे जो कपड़ा संभालते हैं भाई, देखो जैसे ये है, मैं बता दूँ बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जैसा कि मैं भी जो मर्चेंडाइज लॉन्च किया हूँ अपने कपड़ा जो बेच रहा हूँ, क्या नाम है, नाम बताओ? मोहम्मद साहिद। साहिद, तो जो भी आप जो मर्चेंडाइज देख रहे हैं, जो कपड़ा मैं सेल आउट कर रहा हूँ वेबसाइट पे, वो सारा हैंडल यही करते हैं। ज़रा से भी 1920 होगा तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें शायद नंबर भी दिया हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, और वीडियो भी मुझे वहाँ पर शूट करना है। तो देखते हैं आज का क्या रिएक्शन और क्या ब्लॉग होने वाला है। और आज मुझे हेयर भी कटिंग कराना है, क्योंकि पिछले बार नहीं करा सके थे, घर जाना था इसलिए, लेकिन अब फ्री हो गए हैं, तो अब जाएंगे हेयर कटिंग कराएंगे। अब प्लस मुझे स्कूटी भी सर्विसिंग में देना है, तो बट अभी नहीं देंगे, अभी फिलहाल चलते हैं, बहुत लेट हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग ने जैसा रास्ता देखा, अभी मैं जिस तरीका से आ रहा था, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बलविंदर जी का एड्रेस बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो उसका रीज़न क्या है कि बहुत से लोग रास्ता नहीं देखे। तो ये रास्ता जो जिस रास्ता से मैं आया हूँ, वो करमटोली रोड से सीधा जाता है बूटी मोड़, ठीक है? और बूटी मोड़ से आइएगा तो इधर, तो लोकेशन बता दे रहे हैं आपको, लोकेशन है ये 7 डेज स्कूल, देख रहे हैं ये 7 डेज स्कूल से जस्ट थोड़ा सा आगे बूटी मोड़ रोड जाने वाला, ऐसे यहाँ से सीधा आगे में आपको एक राइट साइड में गली मिलेगा, एक ब्लू वाला बोर्ड दिख रहा होगा, वो प्रेमसंस का है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे में आपको मिलेगा, तो उस गली से अगर आप बूटी मोड़ जाने वाला रोड से राइट लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे बलविंदर जी का शोरूम मिल जाएगा। तो मैं भी दिखाता हूँ कि कहाँ से मुड़ना है, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो बता देते हैं, बहुत लोगों को एड्रेस पता नहीं है, तो ये 7 डेज स्कूल याद रखिएगा इस रोड में, और इस रोड से तुरंत बूटी मोड़ जाने वाला रोड में आपको पता चलेगा कहाँ पर है। तो अभी हम लोग 7 डेज स्कूल अभी क्रॉस भी नहीं किए हैं, और ये देख सकते हैं प्रिंसल्स मोटर है, मारुति सुजुकी के जस्ट बगल में आपको एक फेयरडील हुंडई दिख रहा होगा। तो आपको ये बूटी मोड़ वाला रोड जैसा है ना, बस यहाँ से आपको क्या करना है, राइट लेना है, ठीक है? ये वाला जो गली आपको दिख रहा है, ये गली से आप जा सकते हो, ये फेयरडील हुंडई का आपको बोर्ड दिख रहा है, ये गली से अंदर जाने के लिए आपको, मतलब ये गली से आप शोरूम जा सकते हो। तो ये गली में आपको इन करना है, और बलविंदर जी का शोरूम मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। ये गली भी ध्यान से देख लीजिए, बहुत लोगों को मिस हो जाता है कि भाई बलविंदर जी का शोरूम कहाँ है, खोजते रहते हैं। आप देख सकते हैं फेयरडील हुंडई लिखा हुआ, खरीदे या नहीं कार। तो आपको कहाँ पे जाना, बलविंदर जी का शोरूम बस इसी लाइन में है, आप देख सकते हो ये है बलविंदर जी का एड्रेस। तो आपको यहाँ आना है, और बलविंदर जी अंदर बैठे हुए होंगे, वो पवन जी। तो अभी आप लोग ने देखा होगा कि बलविंदर जी का शोरूम कैसे है, और किस गली से आना है, और किस रोड से आना है। आप अगर बूटी मोड़ से आओगे तो आपको मुड़ना पड़ेगा लेफ्ट साइड, और करमटोली और मैं करमटोली चौक से इधर आओगे तो आपको मुड़ना पड़ेगा राइट। तो गली मैंने आपको दिखा दिया, बहुत लोगों को एड्रेस नहीं मिल पाता है, लेकिन अभी बलविंदर जी देखते हैं कि कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा खिल्ली उड़ाते हैं। तो अभी यहाँ ऑफिस में बलविंदर जी नहीं है, लेकिन बट वो आएंगे बहुत जल्द, और ये छोटे बलविंदर जी हैं जो वहाँ वर्कआउट कर रहे हैं।
और यहाँ पे छोटे बलविंदर ये जो वर्क कर रहे हैं अपना। और अभी हम लोग चलते हैं बाहर, देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी लगी हुई है और कितने रेंज में है, बट देखते हैं इस वीडियो में बताते हैं कि नहीं। ओ बलविंदर जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या बात है, पूरा तैयार व्यार होकर के आए। हाँ, कहाँ थे आपका, हम 2 घंटा से वेट कर रहे थे। महान शख्स। अच्छा, इस वीडियो में हम बता दिए हैं कि एड्रेस कहाँ पे और कैसे आना, पूरा रास्ता दिखा दिए। अब देखिएगा आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे। कहाँ से रास्ता दिखाएं आपको, मतलब बूटी मोड़ से आने के लिए और जैसे करम टोली चौक से इस रोड से कैसे आ रहे हैं, आपको कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं मुड़ना है, ये सारा चीज़ बहुत अच्छा। तो इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे अच्छी अच्छी गाड़ी, लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे, ये तो ब्लॉग बन रहा है ना। अच्छा, ये ब्लॉग है। हाँ, ये भी जस्ट मैंने बैठा था और मम्मी का कॉल आया, बोले कि मम्मी कि वीडियो कॉल करो अर्जेंट, और मैं दिखा रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब मैं डाल्टन का गया था तो बहुत सारे सब्सक्राइबर आए थे और अभी देखते हैं कितने सब्सक्राइबर है। तो मम्मी ने बोले कि वीडियो कॉल करने के लिए, तो मैं कॉल वीडियो कॉल कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे जा रहा है। हाँ, कोई दिख नहीं रहा है। हाय भैया। हाय। अरे मेरा चैनल वीडियो बन रहा है। हाय भैया, तुम लोग का वीडियो आ रहा है। वीडियो। हाय भैया, मेरे तरफ अनुपम दिखा रहे लो। क्या क्या नाम है, तुम लोग बताओ, नाम बताओ। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। तुम लोग का नाम क्या है, नाम क्या है, नाम बारी बारी से नाम बताओ। नाम बताओ तुम लोग, नाम क्या है तुम लोग का, बारी बारी से बताओ। मेरा नाम आर्यन है। तुम लोग, मेरा नाम अनुपम। मैं बोल रहा था सर, पहले मैं एक बात के लिए सो अच्छे पहले एक बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं। मैं तुम लोग को बोलूंगा, मिलूंगा, लेकिन मैं आगे रांची कुछ काम था, मुझे बहुत अर्जेंट काम था, तो कोई बात नहीं, अब आएंगे तो मिलेंगे, ठीक ना भैया। हम लोग जिसके साथ गए। अरे यार, वो पास में आपकी मम्मी ने बुलाया था शाम को, तो आए थे, तो एक अंकल खड़े थे, उन्होंने भगा। ओ, हमारे घर वाले नहीं ना भगाए। नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार आएंगे ना तो पक्का मिलेंगे, मुझे काम था इमरजेंसी में, इसलिए हम रात जाएंगे। आएंगे, स्टोरी डाल देंगे इंस्टाग्राम पे। भैया वीडियो बना रहे क्या आप? तुम लोग सब ब्लॉग में आ गए। थैंक यू भैया। भैया कब आएगा? कल। ब्लॉग कब भैया? आज रात में आएगा। आज रात में आएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। बाय भैया। बाय बाय। बाय। अच्छे से जाना घर। ठीक है। तो गाइस देखिए, हमारे सब्सक्राइबर छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और बड़े-बड़े अंकल भी हैं। तो ये लोग घर पे भी पहुंच जाते हैं और ये लोग का बहुत जल्द आएगा ब्लॉग, आज रात में ही मैं डाल दूंगा इस वीडियो को, और कल आएगा हमारे और बलविंदर जी के साथ कार का वीडियो। तो ऐसे प्यार, लोगों का सपोर्ट मिलते रहता है ईमानदारी से आप काम करोगे तो, बेईमानी से नहीं। कि नहीं बलविंदर भाई, क्या बोलते हैं? अरे इधर देखो भाई, आपका टाइम ओवर हो रहा है, चलिए शूट करने। चलिए तो भी हम लोग चलते हैं कार का शूट करने, उसके बाद फिर कुछ होगा। ओके, तो यहाँ पे शूट कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रहा हूँ बलविंदर में अपने फ्लैट में लेके जा रहे, क्योंकि मेरा बाइक वहाँ पे KTM लगा हुआ है, KTM ड्यूक, और पीछे हमारा स्कूटी। बहुत लोग बोलते थे भाई कि स्कूटी से घूम रहा है, तेरा बाइक कहाँ गया, तो बाइक भी दिख जाएगा। धक्का मारिएगा क्या? अरे आदमी की डायनासोर है। क्या हुआ? गप गप, हेलमेट मार रहा मेरा गाड़ी पूरा। ओ, पूरा गाड़ी दागी कर दियो आपने। सच में क्या मजाक कर रहे हो? तो वीडियो बहुत जल्द आएगा, ये वीडियो शूट जो हो गया है और इसमें बहुत कम रेट का गाड़ी मिल रहा है, तो ये मौका मिस ना होना चाहिए। तो अभी से चैनल सब्सक्राइब करके रखे, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जिसे भी वीडियो आए आपको दिख जाए, आप फटाक से कॉल करें या फिर आप शोरूम आकर के बुक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि नहीं बलविंदर भाई, कुछ कहना चाहते हो यार? बहुत शांत लग रहा भाई। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हो ये? हम खोज रहे थे इसमें आपको, लेकिन आप मिल ही नहीं रहे थे। मैं तो खोज रहे, पीछे कुछ और खोज रहे हो आप गाड़ी। नहीं नहीं
मैं यार इसका काला काला क्यों आता हूँ आपके कैमरा में? आपका कैमरा ठीक नहीं है। नहीं, आप ठीक नहीं है। ये यही गली मैं दिखाया हूँ कि कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं नए यूजर के लिए। गली गली से तेरी गली, मेरी गली।